फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन अभियांत्रिकी क्लासेस। और पिछला जो ट्यूटोरियल था हमारा, इस कॉन्सेप्ट पे था कि लॉजिक कैसे यूज़ करते हैं, और उसी लॉजिक का यूज़ करके हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम किसी डायरेक्टरी में जाते हैं, हमने डी ड्राइव में गए, और डी ड्राइव में जाने के बाद हम वहाँ पर नोट पैड एक फाइल ओपन कर लेते हैं डायरेक्टरी, क्योंकि हमारा जो पाथ है वो परमानेंट सेट है। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं PROG नाम से, PROG.java के नाम से PROG.java करते हैं। ये नोट पैड की फाइल हमारी क्लोज ओपन हो गई, और यहाँ पर हम क्लास लिखते हैं और प्रोग लिखते हैं क्लास का नाम, क्योंकि फाइल का नाम और क्लास का नाम दोनों सेम होना चाहिए। और हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, स्ट्रिंग का एक आर्गुमेंट पास कर लेते हैं। स्ट्रिंग ARGS लिखने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जो हमारा कंपाइलर होता है जावा, या जावा जो होता है वो किसी भी इनपुट को जब लेता है तो वो एज ए स्ट्रिंग ही लेता है। ये सब करने के बाद चलो एक हम छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें एडिशन हो सके। तो हम पहले A=10 लिख लेते हैं, दो वेरिएबल की जरूरत होगी, B=20 लिख लेते हैं। लिखने के बाद अगर हम देखेंगे तो एज जो वेरिएबल है वो =10 है, मतलब एक किस टाइप का वेरिएबल है, इंट टाइप का वेरिएबल, इसके आगे इंट डिक्लेयर कर लेते हैं। और बी जो है वो =20 है, तो यहाँ भी ये इंट टाइप का वेरिएबल है, इसको इंट लिख लेते हैं। और इंट टाइप के वेरिएबल्स को अगर हमें स्टोर कराना है उसके रिजल्ट को, तब भी इंट ही लिखना पड़ेगा। तो हम एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, रिजल्ट =, हम क्या कर लेते हैं, A+B। ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाले हैं हम, और इस कैलकुलेशन को शो कराने के लिए, स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं system.out.println लिखते हैं। और लिखने के बाद हम यहाँ पे रिजल्ट को पास कर देते हैं, रिजल्ट सेव करते हैं इसको, और चलते हैं यहाँ पे कंपाइल कराते हैं एक बार। तो हम क्या लिखेंगे, जावा सी, क्योंकि जावा का कंपाइलर जावा सी है, और लिखेंगे prog.java, जो प्रोग्राम की फाइल होगी, जो क्लास होगा और जिस नाम से हमने सेव किया होगा फाइल को, prog.java के नाम से हमने सेव किया। और सेव करने के बाद कंपाइल कराया, कोई एरर नहीं आई। फिर हम जावा लिखते हैं और prog लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमें एग्जीक्यूट कराना है तो .java लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई हमारी 30 एडिशन का। अगर हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो हम नॉर्मली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का सिंबल अप्लाई करेंगे और पहुँच जाएंगे यहाँ पे, और फिर से हम कंपाइल कराते हैं प्रोग्राम को prog.java को, और दोबारा से यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं जावा प्रोग। ये वैल्यू आ जाएगी -10। जैसा कि आप कैलकुलेशन करना आसानी से जानते हो कि कैलकुलेशन कैसे होता है, मैथमेटिकल वही टास्क यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं। दोबारा से हम इंटू करने के बाद कंपाइल कराते हैं, कंपाइल कराने के बाद जस्ट एग्जीक्यूट कराते हैं, क्योंकि कोई एरर नहीं है। अगर एरर होता तो हमें एरर दूर करना होता फर्स्टली। इतना सब करने के बाद फ्रेंड्स हम आते हैं और एक बार देखते हैं कि क्या फ्लोट जो है वो यूज़ होता है यहाँ पे, क्योंकि कहीं कहीं कुछ ऐसे नियम हैं कि फ्लोट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो यूज़ होता है, बट जावा में फ्लोट का इस्तेमाल नहीं होता। तो चलिए एक बार देखते हैं कि अगर हम फ्लोट यूज़ करते हैं तो क्या होता है जावा के अंदर। हमें यहाँ भी टाइप हमने फ्लोट कर दिया, और यहाँ भी टाइप हमने क्या कर दिया, फ्लोट कर दिया। अगर फ्लोट टाइप है तो जो वैल्यू होना चाहिए वो भी फ्लोट टाइप का होना चाहिए। तो 10.34 कर दिया यहाँ पे, 10.56 कर दिया यहाँ पे, और फ्लोट का रिजल्ट हो गया। अब इसको सेव करके एक बार हम एग्जीक्यूट कराते हैं, सॉरी नॉट एग्जीक्यूशन, कंपाइल कराते हैं जावा सी डॉट प्रोग डॉट जावा को। और कंपाइल कराने के बाद हमें इरर मिला। इरर क्या मिला कि इनकम्पैटिबल टाइप्स इरर मिल गया, और उसके आगे लिखा हुआ है पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। मतलब हमें डबल यहाँ पे यूज़ करना है, फ्लोट हम नहीं यूज़ कर पाएंगे। डबल अगर हमें यूज़ करना है तो हम डबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाते हैं और डबल यूज़ करके देखते हैं कि क्या तब भी एरर आ रहा है। तो चलिए एक चीज़ डबल करने के बाद हम सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे जावा सी प्रोग डॉट जावा से, और एक एरर आ रही है रिजल्ट का, सॉरी ये जो हमारा वेरिएबल है रिजल्ट नाम का, वो RES हो गया यहाँ पे। तो RES यहाँ भी कर देते हैं और कंट्रोल S करते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एरर पहचानने की भी जो आदतें हैं वो बन जाएंगी। गलती अगर हो प्रोग्राम में तो आप डरे ना बिल्कुल, क्योंकि एरर से आपको सिखाएगी कि प्रोग्रामिंग करनी कैसी है। और इस जावा प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि कोई एरर नहीं है। अब देखो ये चीज़ यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। जब हम फ्लोट कर रहे हैं तो वहाँ पे एरर शो कर रहा है, और जब हम डबल कर रहे हैं तो एरर नहीं शो कर रहा है। तो एक चीज़ बिल्कुल याद रखनी है कि जब हमें फ्लोट टाइप वैल्यू हो, डेसिमल टाइप वैल्यू हो, तो हम फ्लोट वेरिएबल नहीं यूज़ करके हम डबल वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जावा फ्लोट को सपोर्ट नहीं करता है, फ्लोट की जगह वो डबल को सपोर्ट करता है। ओके फ्रेंड्स, एक चीज़ और यहाँ हम क्लियर कर दें कि कॉन्कैटिनेशन क्या होता है। कॉन्कैटिनेशन ये होता है कि अगर आप यहाँ वैल्यू देख रहे हो तो 31.0 लिख के आ रही है। ओके, कॉन्कैटिनेट करने का मतलब क्या कि हम स्ट्रिंग के साथ इंटीजर की वैल्यू को एक साथ रखें। तो अगर हम यहाँ लिख दें कि द रिजल्ट इज इक्वल्स टू, और प्लस सिंबल अगर हम लगा देते हैं, तो इंटीजर के साथ स्ट्रिंग, इन दोनों को हम कॉन्कैटिनेट कर पाते हैं। तो ये कॉन्कैटिनेशन मेथड होता है।
ये कंट्रोल एस किया, चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपाइल कराएंगे प्रोग्राम को, और प्रोग्राम को कंपाइल कराने के बाद यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कराएंगे, और एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि द रिजल्ट इज इक्वल टू 31.0 लिख के आ रहा है। तो ये द बेसिक बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है कॉन्कैटिनेशन की। और अगर इसके बाद भी, अगर इंटीजर के बाद भी आपको कॉन्कैटिनेट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। द रिजल्ट इज किस टाइप का एडिशन, मतलब ये किस चीज़ का द रिजल्ट एडिशंस, जो भी इस तरीके से आउटपुट आएगा। हम सिर्फ कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो जावा सी प्रोग डॉट जावा यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे हम दोबारा से एग्जीक्यूट कराएंगे। तो देखिए ये एक स्ट्रिंग वैल्यू इधर है और यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग वैल्यू इधर है। हमने क्या किया, इसका ये इंटीजर वैल्यू है, इन दोनों स्ट्रिंग को इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया। केवल प्लस सिंबल आपको यूज करना है और कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म हो जाती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस तरीके से लॉजिक बनाइए प्रोग्राम करने से पहले, अगर आप लॉजिक बनाएंगे तो काफ़ी बेहतरीन होगा आपके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।